परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1776 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2:6-7। वरन किसी ने कही ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने इसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। परमेश्वर के सभी सृष्टियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है। परमेश्वर के अदृश्य ढांचे के अनुसार परमेश्वर के नैतिक स्वभावों से सजा कर, अर्थात परमेश्वर के स्वरूप और उनकी समानता में कोई भी अन्य सृष्टि परमेश्वर के द्वारा नहीं हुई है। यह बात सच है कि मनुष्य शैतान के धोखे में आकर पाप में फंस गया और परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु परमेश्वर का निस्वार्थ और निष्कलंक एवं अनंतकालीन प्रेम मनुष्य के ऊपर से कभी भी समाप्त नहीं किया गया है। पवित्रता खो जाने के साथ साथ अन्य कई नुकसान भी मनुष्य को सामना करना पड़ा, तो भी उसके बावजूद भी परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दी गई कई सौभाग्यताएं मनुष्य से परमेश्वर ने पूर्ण रूप में कभी नहीं छीना है। इस सच्चाई को प्रकट करने वाली कुछ आयतें भजन अध्याय 8:4-6 लेखक हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आत्मी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। अदन की वाड़िया में मनुष्य को परमेश्वर ने जब रखा तो उसको वाड़िया की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी थी। निम्न जिम्मेदारी का निर्वाह करने हेतु परमेश्वर पृथ्वी पर के सभी वस्तुओं के ऊपर मनुष्य को अधिकार भी दिया था। उत्पत्ति अध्याय 1:26-29, भजन अध्याय 8:6-8 के पदों में भजनकार भी यही बात का जिक्र कर रहा है। मनुष्य से भी कई गुना अधिक ताकत रखने वाले हाथी को आप देखे होंगे कि एक दुबला पतला महावत रास्ते से ले जाते हुए। चिड़ियाघरों में भयानक शेर, बाघ आदि जानवरों को भी पालतू जानवरों के समान देखरेख करने वाले प्रशिक्षकों को आप देखे होंगे। उन जानवर इसलिए मनुष्य के अधीन हो जाते हैं क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसे मनुष्य का अधीन कर दिया है। विज्ञान के माध्यम से मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार जता दिए। वृद्धि के बाहर यहाँ तक चांद में भी वो बसने की तैयारी कर रहा है। इस बीच मनुष्य भूली हुई एक बात है, मनुष्य ये बात भूल गया है कि उन्होंने जो भी सफलता हासिल की है वे सब उसका सृष्टिकर्ता से उसको मिली हुई सौभाग्यताएं हैं। मनुष्य की ये सोच है कि ये सब उसकी अपनी सामर्थ्य से वो कर रहा है। कोविड काल में हमने अपनी आंखों से ये बात देखे है कि मनुष्य की ताकत कितनी है। ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीमीटर में 80 के नीचे की ओर चले जाने से क्या परेशानी होती है, यह मैंने भी अनुभव किया। सेवगाई के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश के खतरनाक पहाड़ी रोड से गाड़ी चलाकर चीन की सीमा की ओर बढ़ते समय मुझे भी लग रहा था कि मैं एक साहसिक आदमी हूँ, परंतु 13,700 फुट ऊंचाई पर सेला पास के करीब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से परेशानी होने लगी तो मुझे भी ये बात समझ में आई कि मेरा साहस की सीमा उस समय तक ही है जब तक प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। किसी भी मनुष्य की हालात ही है, कितने भी अपने आप को सामर्थी या साहसी समझने वाले भी यह बात कभी नहीं भूलना है कि उसकी सामर्थ्य या साहस उस समय तक ही है जब तक
परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है। वास्तव में मनुष्य की हर कामयाबी, हर सफलता उसके ऊपर परमेश्वर के द्वारा दिखाया जाने वाला प्रेम और अनुग्रह का प्रमाण है। यहाँ अनिवार्य रूप में याद करने की बात यह है कि हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध कराया गया सबसे बड़ा तोहफा अपना पुत्र के द्वारा हमें दिया गया उद्धार ही है, जिसके कारण पाप के परिणाम स्वरूप परमेश्वर से दूर हुए हम पुनः परमेश्वर के निकट आ पाए हैं। हमें परमेश्वर की ओर से हर एक आशीष जब मिलती है, हम ये बात कभी नहीं भूलनी है कि परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई सबसे बड़ी आशीष वो उद्धार है जो अपना पुत्र को त्यागने के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध कराया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। पानी का साधन है या।